नमस्कार, आप देख रहे हैं YS News। इधर रामपुर में जल ही जीवन की संकल्पना को लेकर दौड़ा रामपुर। रेडिको खेतान कंपनी व हिंदुस्तान की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हाफ मैराथन व साइकिलिंग का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार, SP अंकित मित्तल ने किया हरी झंडी दिखाकर हिंदुस्तान डब्लूथन का शुभारंभ। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग। 3 तरह की रेस का हुआ आयोजन, जिसमें साइकिल रेस, महिला दौड़ व पुरुष वर्ग की दौड़ का आयोजन किया गया। रामपुर CRPF का बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जहां गणेश वंदना की धुन के साथ शुरुआत की गई, तो वहीं राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। डब्लूथन के अवसर पर रामपुर के DMA व्हाइट हॉल विद्या मंदिर एवं आनंद कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर संदेश दिए गए। इधर डब्लूथन का आयोजन का उद्देश्य बेहतर कल के लिए अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावशाली तरीका तथा समुदाय को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना था। सुनिश्चित कराना कि लोगों को यह एहसास हो कि प्रत्येक कार्य मायने रखता है। दौड़ने और साइकिल चलाने के माध्यम से फिटनेस के लिए हमारी आबादी में क्रांतिकारी बदलाव होगा। हिंदुस्तान की अपनी तरह की पहली गतिविधि जो साइकिलोथन और मैराथन का मिश्रण थी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के 15 स्थानों पर हिंदुस्तान के पाठकों की गतिविधि में भाग लेने और साइकिलोथन या मैराथन में भाग लेने का अवसर के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। डब्लूथन के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अब उनसे ये भी कहा गया कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। सभी फॉर्मेट के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। काशीपुर उत्तराखंड से, हाथ में लगा उत्तराखंड काशीपुर से मोहन जी, बहुत बढ़िया। ये प्रतीक चिन्ह, हेलमेट, मैजिक मोमेंट की कैप किया, ये देखिए क्या बात है। जरा ऐसी प्रतिभा के लिए तालियां होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ ये बात साबित होती है कि प्रतिभा अपनी शिनाख्त करा ही लेती है और प्रतिभा को संसाधन की कोई दरकार नहीं होती। ये बात साबित कर दिखाई है अपने नाम के अनुरूप यथा नाम तथा गुण जय सिंह ने, जिनके जीवन में ही जय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आपको। और ये अच्छा निर्णय था अतिथि वृंद का, उनकी साइकिल को यहाँ लगाकर
और अब ये साइकिल बहुत सुंदर, ये पुरस्कार स्वरूप जय सिंह को ये साइकिल। और उम्मीद करते हैं कि इस साइकिल के माध्यम से आपके जीवन में उत्तरोत्तर गति आएगी। मुझे बताया गया है हमारे रेडी को खेतान परिवार से कि ये भी बता दूं ये गियर वाली साइकिल है, लेकिन जय सिंह जी की जो मेधा है उसे देखकर मुझे लगता है कि इनके पैर गियरों से कहीं ज्यादा आगे चल सकते हैं। नहीं है तो जोरदार तालियां जय सिंह के लिए। बहुत बहुत बधाइयां रेडी को खेतान परिवार की ओर से और हिंदुस्तान परिवार की ओर से कि आपने प्रथम प्रतिभा ये सुंदर गुब्बारे आपकी उड़ान का संकेत देते हुए और आ रही है रामपुर की उजाला। बहुत पीछे जाएंगे, पहले भी हाफ मैराथन और जैसी कई प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती रही है उजाला। हिंदुस्तान के वरिष्ठ संवाददाता के साथ खेल के विशेष जानकारी और रुचि रखने वाले आदरणीय श्री विशाल जी शुक्ला भी इनकी प्रतिभा से उजाला, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है रामपुर स्कूटी पर बैठकर स्कूटी की शोभा बढ़ाती। अब सभी 10 प्रतिभागियों से निवेदन, एक साथ यहां मंच पर आ जाएंगी। पहला स्थान उजाला, दूसरा स्थान रेनू अमरोहा से, तीसरा स्थान रूही नैनीताल से और इनके अलावा 7 प्रतिभागी गंगा, ज्वाला, सुमंगला, दीपा, मंजू, आराधना और स्वाति पाल, ये सभी एक ग्रुप फोटो के लिए मंच पर और मंच के माध्यम से सभी सम्मानित हमारे अतिथि वृंद। अरे सवाल करो, ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करते, सम्मान प्रदान करते। थैंक यू। मंच के समीप आ जाएंगे विद्या मंदिर, आइए राजीव जी आइए, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ये सम्मानित विद्यार्थी और मंच के माध्यम से सम्मानित होते आनंद कॉन्वेंट के ये बाल कलाकार जिन्होंने उनकी प्रस्तुति देकर आज के इस कार्यक्रम को सफलता के उत्कर्ष पर पहुंचाया। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। उन सभी का आभार हिंदुस्तान परिवार की ओर से, रेडिको खेतान की ओर से, और उनका नेतृत्व कर रहे उनके शिक्षक पीयूष कुमार सक्सेना जी, पूरी टीम के आधार पर ये बुके पुष्पगुच्छ प्राप्त कर प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित होते। और अगले क्रम में प्रस्तुत किया, आप सभी का आभार वंदन अभिनंदन हिंदुस्तान परिवार की ओर से, रेडिको खेत।